गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल लर्न न्यू लेसन, लेसन 7, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मींस अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। इट मींस किसी होल नंबर का एक पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है। इफ अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। किसी भी नंबर को अगर हम इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक 2/5, दिस इज फ्रैक्शन। द न्यूमरेटर टेल्स अस हाउ मैनी ऑफ द इक्वल पार्ट्स हैव बीन टेकन। इन फ्रैक्शन अपर पार्ट वी विल कॉल दिस वन न्यूमरेटर एंड दिस वन वी विल कॉल इट डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमें ये बताता है कि जो पार्ट हमने इक्वली डिवाइड किए हैं उसमें से हमने कितने पार्ट को लिया है। वी हैव अ सर्कल, इस सर्कल को हमने फोर पार्ट में डिवाइड किया है। फोर टोटल, वी हैव टोटल पार्ट फोर और इसमें से हमने टू पार्ट को कलर कर दिया, तो दो पार्ट हमने इससे ले लिए। तो जो दो पार्ट हमने कलर किए हैं उनको हम ऊपर लिखेंगे 2/4। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन होगा 2/4। टू इज न्यूमरेटर एंड फोर इज डिनोमिनेटर। नाउ वी विल लर्न टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ नंबर होता है, न्यूमरेटर हमेशा कम होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल 1/4, 2/5, इन सब नंबर्स में न्यूमरेटर ग्रेटर लेस देन है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होगा या फिर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल 7/4, 21/20, तो डिनोमिनेटर इसमें छोटा है 20 और न्यूमरेटर 21 बड़ा है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अ मिक्स्ड नंबर हैज टू पार्ट्स, अ होल नंबर पार्ट एंड अ पार्ट विद अ फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपके पास होल नंबर होता है जैसे 2/1/2। 2 यहाँ पे होल नंबर यानी कि पूरा होगा और 1/2 फ्रैक्शन। यू कैन सी पिक्चर हियर, टू पार्ट कंप्लीटेड और एक पार्ट है इसमें हाफ 1/2, 2/1/2। नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 12, 12, 12, 12, तो ये सारे डिनोमिनेटर सेम हैं। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे उनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस दैट नेम द सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इट मींस आपके पास
यहां पर फ्रैक्शन एक जैसे हैं, इट मींस जैसे आपका 1/4, ये किसके बराबर होंगे, 2/8 की। इट मींस जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो आपका आंसर 1/4 ही आएगा। जैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आपका 1/4 में ही आएगा। तो ये 1/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी 2/8, जैसे 3/12। 3 को आप अगर डिवाइड करोगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, जैसे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4 ये इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसलिए 1/4 इज इक्वल्स टू 2/8 इज इक्वल्स टू 3/12, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/4 की। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। इफ टू और मोर फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर नंबर। अगर हम दो फ्रैक्शन में कंपेयर करते हैं कि कौन सी बड़ी है, तो इसमें अगर आपके पास सेम डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 6/7 एंड 5/7। हियर वी हैव सेम डिनोमिनेटर 7 and 7, सो 6/7 इज ग्रेटर। इफ वी हैव अनलाइक फ्रैक्शन, इट मीन्स अगर हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फ्रैक्शन 1/3 एंड 2/5, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम इनके लिए एलसीएम लेंगे 3 and 5, 3, 5, 5, 1, 5, सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 3 multiplied by 5, 15, एलसीएम विल बी 15। अब हम इन डिनोमिनेटर को 15 के इक्वल करेंगे। 1/3 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 15 हो जाए, 5 से, और ऊपर भी सेम नंबर से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 एंड 3 5 जा 15। नेक्स्ट 2/5, इसको हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एलसीएम के बराबर आ जाए, मल्टीप्लाइड बाय 3, सेम नंबर से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 5 3 जा 15। नाउ वी हैव टू फ्रैक्शन 5/15 एंड 6/15। अब हमारे पास यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, 5/15 एंड 6/15। अब हम इसमें न्यूमरेटर देखेंगे, जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, सो हियर 6/15 is greater. That's all for today.